अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये तो मालियात है भाई, अकाउंट्स है, रीड गेट डी है, इधर नुकसान हो गया तो हम जाए, ठीक है। ये मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट है, अच्छा ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट देखे। अब ये सोचता रहा ये सारे शोबे से बनाए, सबसे पहला सवाल तो ये था कि जो कुछ कर रहा है ये जायज है या नाजायज है। तो इस शोबा शरई रहनुमाई कहां है, इसके सारे शोबे बनाए, इस्लाम का तो कोई शोबा ही नहीं बनाया। इसके पास एक पेपर आया, इसको मेल आई, बिल पर एलसी आई, को टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, इंपोर्ट ऑर्डर आ गया, उसमें शर्त लिखी हुई है, तरीका लिखा हुआ, ठीक है यही है ना। आपने अपने अमले को बुलाया, इसमें आपका मर्चेंडाइजर भी आ गया, आपका मतलब के मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गया, आपकी कॉस्टिंग वाला भी आ गया, सारे आकर आपके सामने बैठ गए, सबको आप दिखा रहे कॉपी, यहां जरा देखिए क्या है, कैसे होगा, नफा कितना होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, प्रोडक्शन टाइम पर होगी नहीं होगी, वारे में आएगा नहीं आएगा, नफा होगा या नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, क्या होगा, बैंकिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, ऐसे 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 करेंगे, अच्छा ठीक है, चलो बहुत पैसा बच रहा है, चलो साइन करो, ऑर्डर दे दो। भाई सबसे पहले भिजवाइए किसी मुफ्ती साहब के पास, ये पूछिए ये करने जा रहा हूं ये जायज है कि ना जायज है, ये तो आपने सिर्फ पूछा ही नहीं कि जायज है कि ना जायज है। आपने सारे शोबे बनाए, शरई रहनुमाई का शोभा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये देखें कि जो करने जा रहा हो ये जायज है या नहीं है, ना जायज है। करोड़ों का फायदा हो मेरे किस काम का, मैं लात भी ना मारूं करोड़ों रुपए पर जो ना जायज हो, मैं अपने बच्चों को हराम खिलाऊंगा, नाजायज खाऊंगा, हाँ छी ना चाहिए मेरे को हराम हो, नाजायज हो छी नहीं चाहिए, मैं तो हलाल कमाऊंगा भाई, हलाल के लिए आपको कौन बताएगा, मुफ्ती बताएगा, शरई आलिम बताएगा, और कौन बताएगा, और उसके पास आपका रब्ता नहीं है, सारे नंबर आपके इंडेक्स के अंदर मौजूद है, नहीं है तो दारुल इफ्ता इल्ल सुन्नत का नंबर नहीं है। आप कहेंगे कि जनाब ठीक है फिर मौलाना दो, मैं भी आपको जवाब देता हूं, ठीक है आपकी बात बहुत अच्छी लगी, एक मौलाना थे हम अपने पास रख लेते, अब मौलाना आपके पास बैठा होगा, जी सर क्या काम है, एक आलिम आपको सर सर करके बुलाता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने रिटर्न फाइल करने के लिए बड़ा वकील रखते नहीं रखते, अपने ऑफिस में रखते हैं, बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने काम कर रही होती है, इनके अपने इदारे होते हैं, आपको रिटर्न फाइल करना होता है आप अपने पेपर भेज देते हैं, वो खुद अपने बनाकर आपको भेज कर आपसे पैसे ले लेते, यही करते हैं ना। तो दावत इस्लामी ने शरई रहनुमाई के लिए दारुल इफ्ता खोल कर दिए हुए हैं, और ये आपसे पैसे नहीं लेंगे, इंशाल्लाह फी सबीलिल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे, आप जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह शरई रहनुमाई करेंगे आपकी, आप रब्ता कीजिए इनसे, इतने दारों से अहले सुन्नत हमने खोल कर दिए हैं आपको, वो रुजू कीजिए ना। अब रुजू कौन करते हुए डरेगा, ये भी आपको देखिए दिल का चोर है, अगर मौलाना ने कह दिया नाजायज है तो ये मां इतना बड़ा ऑर्डर चला जाएगा मेरे हाथ में, इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी हाथ से चली जाएगी, जावे कंपनी जाए, जैसी जाती तो कंपनी भले जाए, मेरी रब की रिजा मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, अगर आर्डर लेते ही मर गया तो ये दौलत किस काम की, पैसा आते ही मैं मर गए दौलत किस काम की मेरे, मैं तो रब की रिजा लेकर मरूं, और मैं क्यों किसी का खाऊं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं क्यों किसी का खाऊं, मैं अपने आका के टुकड़े पर पलता हूं, मैं अपने आका का सबका खाता हूं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ही ना नहीं, मेरा दीन ये रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं अपना दीन बेच दूं, हाँ मेरा दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम है, और मैं मेरे आका के टुकड़ों पे पलता हूँ, आका के टुकड़ों पर आका का सदका खाता हूँ, मैं हराम नहीं खाता हूँ, नाजायज नहीं खाता हूँ। वो है ना शेर कौन सा आला हज़रत का, करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, करूँ मद है अहले सब मिलकर पढ़ें, रज़ा करूँ मद है अहले पड़े इस बला में मेरे बला, पड़े इस बला में मेरे बला, मैं गदा हूँ अपने गदे
का मैं करता हूँ अपने करीब का मेरा दीन पाराएगा। तो आप नियत करते हैं, ये नियत कौन करता है कि मैं अब शरई रहनुमाई लेकर कारोबार करूंगा। और मैं मशवरा दे रहा हूं, अब तक जो आपका कारोबार है इसी शरई रहनुमाई ले लीजिए। आप भाई बीमार ही तो टेस्ट नहीं करवाता ना, हम टेस्ट करवाते क्यों हैं? क्योंकि बीमारी अंदर होगी तो जैसे वो SGPT है ना टेस्ट, SGPT गालिबन एक टेस्ट है, अमीले सुन्नत ने बताया था, ये काले यरकान का टेस्ट है। SGPT 50-60 रुपए का टेस्ट है, अभी लिख लो अगर हो तो करवा लेना, सस्ता टेस्ट है। तो ये काले यरकान का टेस्ट है कि काला यरकान ये अंदर अंदर 10 साल तक जगह बनाता है, पनपता है और फिर जाहिर होता है। अगर SGPT टेस्ट करवा लेंगे तो काला यरकान अगर अंदर होगा तो फौरन सामने आ जाएगा, तो इसका शुरू से इलाज हो जाएगा, ठीक है। SGPT ये अमीले सुन्नत ने अलहमदुल्ला हमें मदनी भूल दिया है सेहतमंद रहने का। अब मैं आपको कहता हूं कि अब अंदर कोई चीज है या नहीं है ये मालूम करने में हर्ज किया है। कल मरने के बाद पता चले कि मैं हराम कमाता था तो क्या ये उजर होगा कि मुझे पता नहीं था कि दारुल इस्लाम में शरई मालूम ना होने का इस तरह कोई उजर कबूल नहीं किया जाएगा। अब क्या उजर देंगे हम, पता नहीं था। और अब तो मदनी चैनल ने बता दिया, खोलकर बता दिया, और मदनी चैनल बताता और इंशाल्लाह बताता रहेगा। आपको पता मदनी चैनल देखते हैं आप नहीं देखते? अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल हमारा मदीना मदीना है, सब फैदान है मदनी चैनल। तो इंशाल्लाह रोजाना मदनी चैनल देखने और दिखाने की नियत कर लीजिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जो आपको राब्ता करना है उसके नंबर नोट कर लीजिए, समाज नामे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर नोट कर लीजिए। बाबरी चौक गुरु मंदिर कराची कंजुल ईमान मस्जिद, उसका नंबर है 4855174, 4855174। कराची बुखारी मस्जिद खारादर नूरुल इरफान दारुल इफ्ता, इसका नंबर है 2203646, 2203646। कुतुबे मदीना ड्रिक कॉलोनी का नंबर लिख लीजिए, कराची का है 4585414। और भी दारुल इफ्ताओं के नंबर है मेरे पास, सदाराबाद का नंबर लिख लीजिए, फैसलाबाद में भी दारुल इफ्ता है 8555591, सदाराबाद फैसलाबाद। लाहौर का नंबर लिख लीजिए, मरकज अलौलिया लाहौर, वहां भी दारुल इफ्ता सुन्नत है 7114231। रावलपिंडी पंजाब इस्लामाबाद, वहां का भी नंबर है रावलपिंडी का 5511445, 5511445। हैदराबाद आफंदी टाउन का भी नंबर लिख लीजिए, बाबुल इस्लाम 0222621563। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी लिस्ट मिली है कि कौन कौन से अफराद यहाँ हमारे इज्तिमा में शरीक हुए हैं, जो ताजिर बरादरी है, इनमें ज्वेलर्स सोनार, यान इम्पोर्टर, टी इम्पोर्टर, राइस इम्पोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल मार्केट, सैनिटरी, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, मेडिसिन मार्केट, स्क्रैप, होम अप्लायंस, प्लास्टिक वेस्ट, कॉस्मेटिक, डाइंग, फर्नीचर, शू मार्केट, फुटवेयर वाले, बेकरी, हार्डवेयर, सुपर स्टोर, कैटरिंग, मोबाइल, ऑप्टिकल, टेलर्स, ट्रेडर्स, गारमेंट्स, स्टेट एजेंट्स, शॉपकीपर, स्टील वर्क, क्लॉथ, प्लास्टिक बैग्स, ट्रेवल एजेंट, ऑटो पार्ट्स, मिल शॉप, बुटीक, कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंटिंग, चिकन, मटन, फिश, परफ्यूम, इत्र एंड ट्रैकिंग कंपनी। ये 45 नाम आए जो जिनके मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आज हमारे इज्तिमा में शरीक हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर अगर हम कोशिश करें, अपनी अपनी इस्लाह की कोशिश करें।